मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मौसमी गुप्ता आप सभी का टॉक विद लेड एंटरप्रेनर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं टॉक विद लेड एंटरप्रेनर ऑर्गेनाइज करती है ड्रीम रियलिटी और मिलाती है बेहतरीन लेडी लीडरों से, राइट। तो मैं मौसमी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। ये ओनली लेडीजों के लिए लेडीज एंटरप्रेनर जो उनसे बात करना हम बात करते हैं वो उन्होंने कैसे अचीवमेंट को पाया और वो कैसे सक्सेस हुई प्रेस्टीज में, आज वो मुकाम को पा चुकी है, एक लेडी एंटरप्रेनर बन चुकी है। ट्रिम डिमार्टी हमेशा से प्रयास करती है ऐसे लेडीजों से मिलाना जिन्होंने अपना नाम बनाया और बहुत सारे लोगों को नाम दिया, फेम दिया। तो मिलना चाहते हैं आप सभी, ऑब्वियसली बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और जितने लीडर्स हैं और जितने व्यूवर्स हमें सुन पा रहे होंगे, मुझे पता है आप सभी हर गुरुवार 3 बजे आप सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब वो टॉक विद लेड एंटरप्रेनर लोगों से हम मुलाकात कर पाए, कब ये प्रोग्राम हो, राइट। तो मैं मिलाना चाहूंगी आज टॉक विद लेड एंटरप्रेनर में जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं जिनका नाम है मिसेस दीपा मुखी। तो दीपा जी वेलकम करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम में आपका, टॉक विद लेड एंटरप्रेनर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीपा जी, कैसे हैं? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी मैम, थैंक यू। और आज टॉक विद लेड एंटरप्रेनर में फिर से आपको आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और दोबारा आपके साथ और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ट्रिम डिमार्टी का हमेशा कोशिश यही है कि हम ऐसे लेडीजों को मिलाना चाहते हैं जिन्होंने कुछ नाम बनाया। और दीपा जी आपके बारे में मैं क्या तारीफ करूं कि आप एक हेल्थ आपको प्रॉब्लम था, उसके बाद में आप आज एक बिजनेस वुमेन हैं। आपने कैसे उस वुमेन को पाया, आपको क्या 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 परेशानी हुई, आज बहुत सारी ढेर सारी हम बातें करेंगे क्योंकि व्यूवर्स को लगता है जितने वेस्टीज में जो ज्वाइन किया उनको लगता है कि मुझे ही परेशानी हो रही है, किसी को परेशानी हुआ ही नहीं होगा, राइट। तो ये टॉक विद लेड एंटरप्रेनर का प्रयास ही ऐसा है कि हम मिलाए उनसे जिन्होंने कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ा है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को पीछे छोड़ गए। और हमेशा कोशिश ट्रिम डिमार्टी की यही है कि प्रॉब्लम तो सबको आता है बट प्रॉब्लम को ना फोकस करके सॉल्यूशन पर ध्यान दे, राइट। और आपने दिया और आज आप टॉक विद लेड एंटरप्रेनर में आज आप आई हुई हैं, मेरे सामने आप आज बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है दीपा जी आपसे मिलकर हमेशा कि एक मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, और आज आपने अपना एक नाम और फेम दिया है और बहुतों को आप ये नाम और फेम दे पा रही। तो एक लेडीज के लिए, एक नारी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे वेस्टीज में एवरी मंथ नए नए पर डे में बात करूं नए 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 व्यूवर्स नए नए ऐड होते हैं, तो नए नए लोग आज ये प्रोग्राम देख पा रहे होंगे तो वो जरूर जानेंगे, सुनना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आप सभी से सभी को अपना परिचय बताइए। जी मैम, मैं फिर से एक बार अपना नाम दोहराना चाहूंगी। मैं दीपा मुखी, झारखंड जमशेदपुर से हूँ। और बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं शुरुआत से यहीं की ही पली बड़ी हूँ, अभी तक भी यहीं रह रही हूँ। मतलब जमशेदपुर में जन्मी हूँ और अभी तक वेस्टीज के साथ जमशेदपुर में ही हूँ। बचपना मेरा कैसे बताऊं कि एक बेटी का जो नॉर्मली अच्छे तरीके से जो बचपन बीतता है घर में वैसे ही बीतता है। शादी मेरी पढ़ाई के दौरान हुई, मैंने ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई कर पाई मैं, तो प्लस टू प्लस थ्री के बाद में मैं शादी कर लिया मैंने और ग्रेजुएशन शादी के बाद कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी शादी के बाद भी पढ़ाई को कंटिन्यू इसलिए किया कि मुझे जॉब करना था, काम करना था, कि अभी के महंगाई को देखते हुए जब सर्विस नहीं है। हस्बैंड मेरे मिस्टर नरेश कुमार मुखी
जो कि इस बिजनेस में मेरे साथ में है, अभी तक भी हमेशा साथ देते आए हैं, और वो भी प्राइवेट पे ही जॉब करते थे शादी के समय से ही। पर हमारी बात ये हुई थी शादी के दौरान कि उनको भी एक मतलब टाटा स्टील हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में जो कंपनी है वहाँ उनको भी जॉब लगना था, और मेरा भी रजिस्ट्रेशन पापा के रजिस्ट्रेशन पे था उनके सर्विस पे। तो हम लोगों ने काफी बड़ा सपना देख करके ये सोच करके शादी किया कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है। मतलब हमारे पेरेंट्स जो टाटा स्टील में सर्विस करते हैं वो कंफर्ट जोन पे रहते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है, और मतलब उनके बच्चों की लाइफ में कुछ मांगना नहीं पड़ता है, हर समय समय पे दे दिया जाता है। ऐसी जिंदगी थी हमारी बचपना की, चाहे वो नरेश जी की हो या मेरी। तो ये बीत रहा था तो उसकी आदत पड़ गई थी कंफर्ट जोन में रहने की। और जब शादी हुई हमारी तो भी दिमाग में ये था कि मम्मी पापा के नाम से जो सर्विस है उसका रजिस्ट्रेशन होता है और बच्चों को सर्विस मिलता है, तो हम लोग काफी खुश थे कि हमारे यहाँ दो दो सर्विस रहेगा, दोनों काम करेंगे, और वो भी टाटा स्टील में, और हमारी लाइफ अच्छी तरीके से बीतेगी, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। पर इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मतलब बहाली बंद हो गई जिस समय हमारे समय आया हमारे बहाली की, तो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन जो था उनका बहाली बंद करवा दिया, और हो ना हो दोनों का ही नहीं हो पाया। तो हम लोग प्राइवेट में जॉब करते हुए जो स्टेटस रहते थे वहां से काफी नीचे आ गए अभी के समय पे। तो फिर शुरुआती दौर पे बच्चे छोटे थे तो मुझे लगा नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी देखना, घर देखना, इनका बड़ा फैमिली था। तो फिर हम लोग धीरे धीरे डिवाइड होते गए, बड़ा परिवार एक साथ रह नहीं पाया, तो उन सबको देखते हुए मैं कभी कुछ कर नहीं पाई। और जब जरूरतें बढ़ी यानी कि खर्च बढ़ते गए, अपने इनकम के हिसाब से जब हमारे खर्च बढ़ते गए तब मुझे लगा कि कुछ तो मुझे अब करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा। पर यह सोचा मैंने कब, जब उम्र खत्म, समय खत्म, जब अभी ग्रेजुएशन वाले को कुछ मायने नहीं है, मतलब उस समय पे ऑफिशियल वर्क मिलता था, अभी सच माने तो सबसे लोएस्ट मतलब काम ग्रेजुएशन वाले आराम से कर लेते हैं, ऐसी स्थिति है अभी के समय पे। तो इन सबको देखते हुए अभी मैं अगर सोच के भी देखूं दूर दूर तक, तो इस एज में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना बच्चे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, और अब अगर मैं काम चाहूँ कहीं पे वो भी अपने पसंद का, तो नामुमकिन है मिलना। और अपने पसंद की अगर ना करूं तो जिस स्टेटस मतलब समाज है, घर है, बच्चों को बुरा लगेगा, इस तरह के काम भी मैं नहीं कर सकती हूँ। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो मुझे हाउसवाइफ बन के ही रहना पड़ा अभी वेस्टिज करने के तो पहले की मैं बात बता रही हूँ जो भी। तो इसी दौरान वेस्टिज हमारे लाइफ में आई, सच में एक फरिश्ता के रूप में आए। हमारे जो अपलाइन थे वो हमें बता गए कि वेस्टिज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं शुरू से ही इसको ज्वाइन मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड कर रहे थे शुरुआत, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उन्होंने ही बताया, तो वो करना शुरू किए, तो मैंने इसे समझा भी। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप भी बता रहे थे कि हेल्थ का इशू था मुझे, तो ये वेस्टिज को करने से पहले लगभग 4 साल पहले मुझे पैरालाइज्ड हुआ था। तो okay. इतना ज्यादा जी न्यूरो का कोई दिक्कत था, तो इतना ज्यादा था कि मुझे पावर लाने में मतलब शुरू शुरू में ट्रीटमेंट चला, हमारे यहाँ पे जो एलोपैथिक तुरंत एडमिट कर देते हैं वैसे मुझे किया गया, पर मात्र 8 दिन मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि घर वापस जाइए, फिजियोथेरेपी कीजिए, जो मेडिसिन होता है वो लीजिए, बिलीव कीजिए कि जो कैंसर पीड़ित लोगों का जैसे केमोथेरेपी वगैरह होता है तो जैसे रैसेस आते हैं, बाल झड़ते हैं, जो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम्स की वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। तो वेस्टिज का सप्लीमेंट्स के बारे में इनके फ्रेंड जिन्होंने वेस्टिज इनको ज्वाइन करवाया उन्होंने बताया, तो मैंने उन सबको प्रोडक्ट्स को यूज किया और सच में धीरे धीरे ही सही, पर बहुत लेट भी नहीं हुआ, मतलब 6 महीना के अंदर ही सोचिए मेरा दूसरा जिंदगी वापस मिल गया, मेरी ऐसी स्थिति हो गई। उसके सप्लीमेंट पे इतना भरोसा हो गया, थैंक यू वंस अगेन वेस्टिज, मैं सप्लीमेंट से इतनी क्योर हुई कि वही लाइफ वही जिंदगी वापस पाना बहुत नामुमकिन सा लग रहा था मुझे, और वो मुझे वापस मिला। और विश्वास जो सबसे बड़ी बात है, विश्वास इतना बढ़ गया कि सामने वाले को बोलने से पहले मुझे थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ठीक हुई ही, मुझे लाइफ चेंजिंग मेरा हुआ है, तो वो बिलीव करे ना करे मेरी आंखों को देख के सामने वाला को भी विश्वास हो जाता है। और जो जो मुझसे लिंक है, जो रिलेटिव है, परिवार है, जो फ्रेंड्स है, वो लोग ऑलरेडी जब इतने बुरा समय मेरा कुछ समय आया जब हेल्थ को लेके,
तो वो लोग देखे और इतना विश्वास किए कि अब मेरे साथ में वो लोग भी भले एक बिजनेस करे ना करे पर एक अच्छे यूजर बन के रहे हैं काफी लोग। तो मुझे अच्छा लगता है कि वेस्टीज के जरिए हम लोग काफी लोगों को अब मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो है ही और उनको फाइनेंशियल भी उनको हेल्प कर रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं एक तरफ से। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है कि जिसमें मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी, मतलब बच्चों का टिफिन पैक करना, इनको ड्यूटी भेजना और उसके बाद में अपना घर का रूटीन करना। मैम बिलीव कीजिए कि अभी जो मैं जितना बोल रही हूँ आपके सामने, ये तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई चंदा भी अगर घर में लेने आता था तो बस इतना बोल के उसे भेज देती थी कि ये घर पे नहीं है। वो उस समय भी हम मतलब बोल नहीं पाती थी कि कितना देना है, क्या है, कि कहाँ से आए हैं। तो इतना बोलने से बेहतर है कि बोलती थी कि ये घर पे नहीं है, आप जब रहते हैं तो आइए। तो फिर दूसरे दिन जब आता था तो ये घर पे नहीं है, मतलब सेम चीज भले रिपीट हो जाता था बेशर्म जैसा, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे, इतना ज्यादा था। तो फिर ऐसी लाइफ थी मेरी और अब जो हुई है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज पे हुई है। और इतना ही नहीं, लेडी पावर क्लब ने मुझे जो मौका दिया, टीम ड्रिमालिटी के द्वारा हमारा जो प्रोग्राम होता है लेडी पावर क्लब का, थैंक यू बोलना चाहूंगी टीम ड्रिमालिटी को एंड लेडी पावर क्लब को कि उन्होंने मुझे निखारा, मुझे संवारा, इतना बोलने का, बताने का, समझाने का मौका दिया ताकि बार बार मुझे भी प्रैक्टिस हुआ, मैं अपने टीम को बता पाई और मैं खुद भी ज्यादा से ज्यादा सीख पाई। सुन पा रहे व्यूवर्स, जितने आपने सुना कि दीपा जी ने कहा कि एक हाउस वाइफ थी वो और उनको न्यूरो का प्रॉब्लम हुआ था, हेल्थ का प्रॉब्लम था, हेल्थ के इश्यू के साथ में उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और वेस्टीज उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया कि ना केवल उनको हेल्थ दिया बल्कि उनको वेल्थ दिया और एक पहचान दी। आज आप सब जितने भी सुन पा रहे उनको आप देख पा रहे होंगे कि वो हम सब के सामने बैठी हुई है, नहीं तो पैरालाइज अगर थी मैम तो कहाँ रहती, बेड में रहती पैरालाइज। उन्होंने 6 मंथ में ही पैरालाइज से मुक्ति पाकर आज वो हमारे सामने में है। स्किल डेवलप वेस्टीज टीम डिवाल्टी केवल हमको एक नाम और फेम नहीं देती, हेल्थ और वेल्थ नहीं देती, इसके साथ साथ में हमारी खुद की अपनी जो पहचान है, हमारे में जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको भी, हमारी स्किल जो है जो हम कहीं ना कहीं हम नहीं जान पाते, अपने आप को भी नहीं पहचान पाते, वो पहचान हमें रियलाइज कराती है कि आप में वो कैपेबिलिटी पोटेंशियल है, आप अपने आप को निखार सकते हो। तो थैंक यू दीपा जी, आपको आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा, और आज भी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आज आप हेल्थ से तो मुक्ति पा गए उसके साथ साथ वेल्थ भी है, राइट। दीपा जी जब आपने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि जो एक लेडी स्टार्ट करती है तो बहुत सारे कहूँ कि असफलता ना कहूँ कि बहुत सारे से प्रॉब्लम कहूँ जो वो फेस करती हैं, खासकर जितने व्यूअर्स, क्योंकि इस टीम डिमाल्टी के और टॉक विद लेडी एंटरप्रेनर का मेन मकसद है कि बहुत सारी ऐसे लेडीज हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा और उनको लगता होगा कि केवल मुझे ही प्रॉब्लम परेशानी आ रही है और किसी को परेशानी नहीं है। दीपा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया और जब आपको लगा कि मुझे इसमें अपने सपनों को भी पूरा करना है, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे जॉब नहीं मिला, मैं एक फुली हाउसवाइफ थी, तो फिर मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, तो जब आप वेस्टीज को ज्वाइन किया तो जब आपने इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम देखा होगा, बिजनेस के बारे में आपने जब, तो आपको क्या लगा कि मुझे करना चाहिए, और जब आपने स्टार्ट किया तब आपको परेशानी क्या क्या, ये जरूर जानना चाहूंगी। जी मैम, यहाँ जो भी आते हैं और सिर्फ यहाँ नहीं, लाइफ में जो भी आज तक सफलता पा चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बिना दिक्कतों के सामना किए तो कोई आज तक सफल हुआ ही नहीं है, ये इसका उदाहरण आप खुद हैं मैम। और मेरी जो दिक्कतें थी वो मैं, आपने सही कहा कि जो जो भी यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं जो नया जिन्होंने ज्वाइन किया है या फिर बहुत कोई ऐसी हैं कि सोचती हैं कि सिर्फ मुझे ही दिक्कतें हैं, सबका अलग अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, किसी को पैसों की दिक्कतें होती है, किसी को हेल्थ का इश्यू रहता है, किसी को घर वाले लोग मना करते हैं। तो मेरे साथ भी छोटा छोटा सब चीज मिला जुला काफी थी, जैसे शुरुआती दिनों पे मेरा हेल्थ का इश्यू तो था ही, वो मेरा पर्सनल था कि हेल्थ का मतलब आप बिलीव कीजिए कि हल्का फेस टेढ़ा, मेरा एक तरफ का जो लेफ्ट पैर हाथ गिरा हुआ था,
फेस भी मेरा टेढ़ा था, हल्का जो लिप बोलते हैं उस तरह का भी था। तो उसपे जब मैं बात करती थी, एक नॉर्मल आदमी अगर 30-35 साल पार करने तक भी अगर नॉर्मल रहे, और हर लेडीज चाहती है कि मुझे मेरी खूबसूरती हमेशा के लिए चाहिए, और उस जगह पे अगर किसी को इस तरह का आ जाए तो आत्मविश्वास खो जाता है हमारा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खो जाता है। और ठीक समय पे, उसी समय पे ही मैंने काम शुरू किया, और जब मैं लोगों को बताती समझाती थी तो मेरा अंदर से तबियत, जो नस मेरा डैमेज हुआ था जिसकी वजह से पैरालाइज्ड हुआ था, वो अभी तक भी कमजोर है। कभी ना कभी मुझे कुछ ना कुछ परेशानी थोड़ी बहुत होती रहती है, पर सप्लीमेंट की वजह से मैं उसको मेंटेन करके रखती हूँ। पर हमेशा दिक्कत रहता है तो माइंड डिस्टर्ब रहना मतलब कि मैं घर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इधर वेस्टिज करना है, घर करना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, सब चीज करते हुए अगर मैं करूं तो मैं काफी मतलब खुद को कंफर्टेबल नहीं पाती थी। चाहे वो प्रेजेंटेशन देते समय कहीं निकलना है तो फटाफट नॉर्मल लेडी की तरह मैं कुछ करके नहीं जा पाती थी, फिर भी मुझे करना है। तो मेरा एम गोल जो था कि मुझे इसमें सिस्टम के जो जो बताया जाता है वो करना है। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ, जिस माहौल, जहां पर मेरा अभी घर है, जहां से मैं हूँ, वो क्या है कि प्राइवेट अपना अपना घर जो रहता है सबका, वैसा एरिया है। तो यहाँ सभी कैटेगरीज के लोग हैं आसपास, मतलब मिडिल क्लास के भी हैं, थोड़े अच्छे घर के भी हैं, थोड़े लोअर भी हैं। तो ज्यादातर मुझे बंद बंद सबने शुरू से देखा था कि मैं फ्रंट बगान टाइप का एरिया नहीं है, तो हमेशा दरवाजा अक्सर बंद रहता है कि मैं कहीं अगर निकलूं तो रेडी होकर के डायरेक्ट निकलती थी तो लोग मुझे देख पाते थे, या ज्यादा से ज्यादा अपने छत पे चल जाती मैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे जगह पे रह करके जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया, तो सबसे पहले जो बोलते हैं ना, अपना पड़ोसी अगल बगल मतलब कमजोर कर देते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये लोग मेरे साथ जिंदगी भर सामने रहेंगे, ये लोग अगर, इनके सामने मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी तो मैं कुछ काम को नहीं कर पाऊंगी। और बहुत बार मुझे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे हमारे यूनिफॉर्म में सूट साड़ी पैंट शर्ट सब कुछ है, तीनों है मेरे पास में, तीनों है, मैं तीनों यूज करती हूँ। तो जब पैंट कोट वगैरह पहन करके सुबह सुबह कहीं जाना रहा, हमारे ट्रेनिंग्स रहे, मीटिंग्स रहे, फटाफट रेडी हुए, बच्चों लोगों को भी ले करके जाना हो, तो एक तीखी नजरों से जो लोग देखते थे, और बाद में फिर पीठ पीछे एक दूसरे को बोलते थे कि इतना साल से घर में बंद पड़ी रही, और जब उम्र अभी आई, बेटी के घूमने का टाइम आया, तो अब ये घूम रही है, इस तरह का बात होने लगा। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट मतलब हो जाते नॉर्मल आदमी, जो कि अभी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस जो देखा नहीं हो, तो नेगेटिविटी पहले घुसती है। तो वो सब दिमाग में आता था कि अब बेटी 20 साल की हो गई है तो अब ये कोट पैंट पहन के घूमने निकल रही है, ठीक है, इतने दिन से घर दरवाजा बंद पड़े रहता था, अब 10 गाड़ी बाहर लगे रहता है, कितने लोगों का आना जाना लगे रहता है, दिन भर कितने लोग इनके यहाँ पे आते हैं, इनके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो इनके यहाँ पे गाड़ी लगे रहता है, मतलब बहुत गंदा लगता है सुनने में। और अच्छा भी नहीं लगता है कि आसपास के लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो भी डायरेक्ट खुद हमारे पास आकर के ना बोल करके लोगों को यहाँ सुनाते हैं। तो ये सब चीजों को मैंने पार किया, जो कि एक लेडी रिस्पेक्ट इज्जत के लिए काम करती है हर जगह पे, कोई सा भी फील्ड हो। तो हमारे यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बहुत ही इज्जतदार मतलब लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक दूसरे को इतने अच्छे नजर से देखते हैं, मान सम्मान इज्जत रेस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे लगा ये ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपना मान सम्मान पा सकती हूँ। और रही सवाल परिवार और रिलेटिव की, जब शुरुआत में मैंने बिजनेस को शुरू किया और अपने ही फैमिली से शुरू किया, तो अपने ही फैमिली वाले लोगों का क्या शिकायत रहता था कि समय नहीं दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ के किया, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे कि एक एक दिन छोड़ छोड़ करके मेरी सासू माँ जो हैं, वो हमारे पास भी कुछ दिन रहती है, इनके 5 भाई हैं, तो 5ों के पास थोड़ा थोड़ा रहती है, महीना महीना ऐसे रहती हैं। तो जब मेरी पारी फिनिश हो जाती है और वो जब दूसरे भाई के यहाँ रहती हैं, तो थोड़ा हमारा आना जाना जो पहले था कि सप्ताह में 3 दिन चली जाया करती थी, तो अब सप्ताह में 1 दिन हो गया था। उसके बाद में कि मुझे इधर का काम भी करना पड़ रहा था, और उनको पता भी है कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कहीं नहीं जा रहे हैं, तो फिर भी माँ बाप की शिकायत अगर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो उन सबको भी पूरा किया जाता था, कोई रिलेटिव्स के यहाँ पे पहले मैं पूरा अटेंड करती थी, कोई कोई दुख का हो सुख का हो कोई भी काम हो, तो इनका जनरल शिफ्ट का टाइम रहता था तो सब मैं अटेंड करती थी, तो वहां पे भी कमी होने लगा। तो बोलते थे कि अच्छा बड़ा आदमी हो गया, ये लोग कुछ नया नया कर रहा है, क्या वेस्टीज ज्वाइन किया है,
इस तरह की बातें कि जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं था, तो वो लोग बोलते थे कि अच्छा ये लोग आजकल कोर्ट फंड जाने वाला काम शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अच्छी नहीं। हाँ, और एक बात है कि तबियत को लेकर के हमारे यहाँ पे काम पे कुछ फंक्शन रहा तो आने में इशू होता है इनका, मेरे बारे में। और जब डेली इनको वेस्टिज करना होता है तो सब उनका तबियत ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ये भी सुनने को मिलता है। तो काफी चीजों को दरकिनार करते हुए बस मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में रहे और मेरे बच्चे साथ देते हैं, तो मुझे और कोई, क्योंकि माँ बाप बच्चों की नजर में अगर जब बड़े बन गए उनके नजर में उठ गए तो कोई उनको नहीं गिरा सकता है। तो ये मुझे ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पे मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते आए, तो सब कुछ पार करते हुए मैंने ये सब किया अभी तक जो भी पाया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके दीपा जी। जब स्टार्ट करती है ग्रेडी, बहुत सारे जैसे दीपा जी ने बताया, आप जितने भी बार सुन पा रहे होंगे, ये हकीकत है कि ये प्रॉब्लम खासकर लेडीजों को होता है। जब एक साड़ी से, नारी साड़ी से निकलती है, उसके बाद वो पैंट कोट शर्ट ब्लेजर लेके जब निकलती है, तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं, और इस एज में कि कब पहले नहीं थे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। और पड़ोसियों के घर के, इवन घर के भी, दीपा जी ने बताया कि मेरे पड़ोसी के साथ साथ घर वाले भी बोले। लेकिन दीपा जी आपसे ये जानना चाहूंगी, वो ऐसी क्या खास बात थी, वो ऐसा क्या सपना था, वो ऐसी स्ट्रॉन्ग ड्रीम कहूं मैं, जो ये सब आपको करने के लिए कि नहीं मुझे करना ही है, एक कमिटमेंट, जैसे मैं अपने स्ट्रॉन्ग ड्रीम के बारे में हमेशा बताती हूँ, तो ऐसा कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है जिसके करके ये सारा चीज आपने पीछे छोड़ा और आज आगे आ गए? जैसे मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया था मैम, कि मेरी और नरेश जी की लाइफ अपने मेरे बच्चों के लाइफ से हमारी लाइफ अच्छी बीती है, मतलब शादी के पहले तक, क्योंकि हमारे मम्मी पापा यहाँ टाटा स्टील सर्विस में अच्छे लेवल्स पे थे, अच्छे पोस्ट पे थे, तो एक तरह से कुछ मांगा नहीं जाता था, दे दिया जाता था, इस तरह की जिंदगी थी। तो जब इसके आदि हो जाए हम लोग और अचानक से प्राइवेट जॉब करते हुए जब हमारा लेवल हमारा स्टेटस नीचे आ जाए, तो बच्चों को वो स्थिति नहीं है हमारे जैसे कि वो कुछ मांगे और मैं दे दूं, तो वो मुझे खलता है। क्योंकि जो भी आज हम लोग करते हैं, कोई भी, सब माँ बाप की मैं बात कर रही हूँ, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों के लिए तो एक माँ स्पेशली गलत भी काम कर लेती है और अच्छा भी काम कर लेती है। तो रहा सवाल ये कि मुझे यही मेरा ड्रीम है कि मेरे बच्चे कुछ मांगे और मैं दे पाऊं, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे लाइफ में मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और उसके लिए ही ये सब कर रही हूँ। और स्पेशली वेस्टीज प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा दिखा कि जिसमें एज लिमिट की बात ही नहीं है, और सबसे बड़ी की स्किल की, जैसे हम स्पेशली मैं हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, मैं हाउसवाइफ रही हूँ, इसीलिए हम लोग खुद को कम आंकते हैं, खुद की क्वालिटी को समझ नहीं पाते हैं, अपने अंदर क्या हुनर है उसे जान नहीं पाते हैं, जब तक कि सामने वाला ना बताए। और सामने वाला कभी आपको नहीं बताएगा कि आप में क्या क्वालिटी है, बल्कि जो बुराई है उसको दर्शाता है कि आप में ये खामियां हैं। तो इसके वजह से हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और वेस्टीजी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी मतलब सभी जितनी भी स्किल होती है उसको बताता है, जताता है वेस्टीज, और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो जहां मैं कम बोलती थी, जैसे बोलते हैं कि हमारा बोलने का बिजनेस है, तो मेरा नेचर में शायद कम बोलना नहीं था, लेकिन शायद मुझे पता नहीं था कि ज्यादा बोलने से पैसा भी कमाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे मुझे आके पता चला कि बस मुझे बोलना है, सटीक बोलना है, सही बोलना है, और ईमानदारी से बोल करके लोगों को हेल्प करना है एक तरह से, चाहे वो रोजगार के तौर पे हो, हेल्थ के तौर पे हो, या नॉलेज देने वाली, कि जो मुझे जितना मिला है मैं अपने लोगों को बताऊं। तो ये मुझे अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे। और मेरा यही जो ड्रीम आपने पूछा था कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रही हूँ कि वो लाइफ में दे सकूं जिनके वो हकदार हैं, मेरे बच्चे। सही जी। एक माँ जो है जब आगे बढ़ती है और देखती है कि मेरे, मुझे जो मिला है, मैंने जो पाया है, वो अपने बच्चों को कई गुना बढ़कर दूं और ज्यादा, और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि बाली सर को सलाम है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हम सब के लिए, कि आज हम लेडीज खासकर एक अच्छे मुकाम पे हैं।
एक सेफ जोन पे है, अपनी स्किल को डेवलप, इस चीज ना केवल हमको एक वेल्दी बनाता है, हेल्दी बनाता है, बल्कि हमें अपनी खुद की पहचान भी कराता है कि यस एक ऐसा पोटेंशियल कैपेबिलिटी आप में, एक ऐसी क्वालिटी है, इसको आप निखारिए। और एक कहीं प्लेटफॉर्म में इतना ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ आपको हमेशा आदर सम्मान रिस्पेक्ट के साथ में आप आगे बढ़ते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और इसमें बोलना चाहूंगी मैम जी बिल्कुल, विस्टी जाने से पहले जब बच्चों का पेरेंट टीचर मीटिंग होता था स्कूल में, तो मैं बस डरी डरी से जाती थी कि बहुत ज्यादा कुछ बोलने ना मिले इस तरह का, या फिर कोई प्रोग्राम होता था बच्चों का से, मतलब पेरेंट्स टीचर के बीच, सॉरी स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में अगर इस तरह का कुछ प्रोग्राम होता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं माइक ना दे दीजिए मुझे भी। पर अब मेरे बच्चों को जब प्राउड होता है कि कुछ भी सवाल रहे टीचर्स का और मैं उसे बहुत आसानी तरीके से बताऊं, और इतना ही नहीं मैं सजेस्ट करती हूं कि बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीके या फिर उनको स्किल डेवलपमेंट पे किस तरह का हेल्प किया जाए, तो मेरे बच्चे स्कूल में अपने कॉलेज में प्राउड करते हैं कि मेरी मम्मा को लोग पहचानने लगे हैं मेरे स्कूल में भी, कि इनकी मम्मा बहुत अच्छा बोलती हैं, बताती हैं, या बच्चों के साथ में अंडरस्टैंडिंग रहता है इनका, तो फिर वो मुझे खुशी बहुत होती है। और वो सिर्फ और सिर्फ वृष्टि से ही मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ हम लोग कितना इनकम करते हैं या क्या कितना कमा लेते हैं या अपने लाइफ को कितना चेंज कर पाते हैं वो अब मुझे समझ आया, वो मायने नहीं रखता। लेकिन अपने इस एक जो जिंदगी हमें मिली है ये दोबारा नहीं मिलेगी, ये तो हम सब जानते ही हैं। और इस लाइफ को अगर हम लोग ढंग से तरीके से जीना सीख गए हैं वेस्टीज में आके, कि जिंदगी को जीना किसे कहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समझदारी, अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं, बातचीत करने का तौर तरीका, सामने वाले को समझने का तरीका, और सबसे अच्छी बात कि अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो हम लोग उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये सब मैंने वेस्टीज में आकर ही सीखा है। सही कहा आपने, मैं भी टीचर हुआ करती थी, लेकिन मुझे भी पढ़ाना आता था, बट अगर मैं आज अपने आप से खुद कंपेयर करती हूँ कि पहले मौसमी बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्या कारण है, तो रियली में यह रियलाइज होता है कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर स्किल को डेवलप कराती है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझ में एक स्किल ऐसा भी होगा। आज सेम चीज मेरे साथ भी वैसा होता है, बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं कि मम्मा एक अच्छा कम्युनिकेट कर पाती, लोगों के साथ में अच्छे से बात कर पाती है। और ये हम जिस समाज में जहाँ पर रहते हैं, आपने देखा हर एक चीज में, फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग ऐसे सब बैठे रहेंगे, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं और मेरी जब बारी आती है तो बोलते हैं ये अलग ही समझदारी वाली बात होगी, लेकिन मैं सोचती हूँ ये कहाँ से आया है। तो रियली में आपने सही कहा कि वेस्टीज है, एक वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम को सच्चा इंसान कहूँ मैं तो वो बनाता है वो खुद को आंकना सिखा दिया वेस्टीज ने हमें। यस 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 सही कहा आपने दीपा जी। और हम जिस टीम से हैं, ट्रिम रिमाल्टी, जो सपनों को हमारे रियल में कन्वर्ट करने में मदद करती है, ऑब्वियसली हम सब लेडीजों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ग्रेट मेंटर मेरे मिस्टर सुशांत महंती सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करती है टॉक विद लेडी एंटरप्रेनर, जिसके माध्यम से हम आप जैसे एंटरप्रेनर से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने का, जानने का मौका हमें मिलता है। दीपा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, जितने व्यूवर्स हैं वो भी सुनना चाहेंगे क्या क्या अचीवमेंट किया आपने इस चीज से और आगे आपके सपने क्या है। अचीवमेंट की बात करूं तो अभी तक, मतलब जैसे कि हम लोग इसे पार्ट टाइम पे शुरू किए थे तो सिर्फ यही जॉब करते थे घर में, तो सबसे बड़ा कि मुझे हेल्थ का जो इशू था वो दूर हो गया, जो सबसे जरूरी है, हेल्थ अच्छा रहे तो हम लोग इनकम कर सकते हैं। और रही सवाल इनकम की, तो अभी तक वेस्टीज से एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा हम बच्चों को उनके पसंद की पढ़ाई करवा पा रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा इनकम आता है वेस्टीज से, उससे अपना बच्चों का वो लाइफ, हम लोग छोटा छोटा जो मेरी ड्रीम्स थी, तो जब बच्चों ने कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, फलाने कॉलेज पे पढ़ाई करना है, तो हम लोग उसको पूरा कर पा रहे हैं।
और जहाँ बात है कि घूमने फिरने की बात, मुझे काफी इच्छा थी, बहुत पसंद है कि मुझे क्या हर लेडीज को इच्छा होता है कि अपने बच्चे और पति को लेकर के 7 साल भर के अंदर एक कहीं ना कहीं हो सके इंडिया के अंदर ही, पर घूमने की बात अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत इच्छा थी शादी के बाद कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं, मुश्किल से हमारे यहाँ पे पुरी और दीघा ये बहुत करीबी जगह है, तो यहाँ भी मैं पिछले 15 साल हो चुका है मैं उससे ज्यादा गई नहीं हूँ, वरना हर साल बस बच्चों को लेकर के अपना मायके, वो भी जमशेदपुर में ऑलरेडी, तो फिर मैं उससे ज्यादा कहीं नहीं जा पाती थी, पर यहाँ टीम ड्रिमालिटी के लिए संभव हो पाया कि हम 2 बार बच्चों को लेकर के, एक बार जयपुर दिल्ली का जो ट्रिप था हमारा वहां मैं जा पाई हूँ, और हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी जिसके बारे में बस मैं सुना करती थी और यूट्यूब में खोल करके देखा करती थी जाने से पहले, मुझे पता नहीं था कि वहां का ट्रिप होने वाला है, तो जब उसे देखती थी तो मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं कि ये लोग इतना जा पाते हैं, हम लोग बस साल भर में जो भी इनकम थोड़ा सा सेविंग होता है, बच्चों का एडमिशन, न्यू बुक्स आता है, यूनिफॉर्म आता है, वही सब में हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कुछ सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। पर थैंक यू वंस अगेन टीम ड्रिमालिटी का कि उन्होंने हमें इस तरह की अपने लाइफ को चेंज करने का मौका दिया कि साल, वो भी लग्जरी ट्रैवलिंग जो होता है हमारा, जो जो हमने किया है जयपुर का, दिल्ली का, या हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी का, वहां पे रहना खाना जिस तरह का लग्जरी टाइप का था, तो वो सब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और एक अचीवमेंट सच में बोलूं मैम तो आज आप वहां से रह करके जो मुझे दीपा मुखी कर रही है, मुझे काफी खुशी हो रही है कि इतने इतने दूर में लोग रह करके मुझे मेरे नाम से आप लोग जानने लगे हैं, बोल रहे हैं आपकी, जबकि आप जिस लेवल पे हैं और आप मुझे अगर पहचान रही हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहचान है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। रियल में कहूँ तो बोलते ना भगवान ने, जब आप कभी अच्छा किए होते हो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है, तो रियली में हम बहुत लकी है कि हम वेस्टीज में हैं और टीम ड्रिमालिटी में, राइट, कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है वेस्टीज ने, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी भी कम है इस प्लेटफॉर्म की, कि हमेशा हमें वेल्दी बना रहा है और हमारे सपनों को नए नए ड्रीम हमारे जगा रहे हैं, क्योंकि सपने तो सबके रहते हैं बट कई पूरे भी नहीं करते और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जी मैम, जैसे आपने कहा कि नए नए ड्रीम्स, तो छोटे छोटे ड्रीम्स तो बनते जा रहे हैं और उसे वेस्टीज धीरे धीरे पूरा कर ही रही है, तो बहुत ही जल्द जो ट्रैवलिंग का की बात मैंने की, तो ट्रैवल फंड जो हमारा आता है वेस्टीज के तरफ से, उससे हम लोग विदेश यात्रा जो कर पाएंगे बहुत जल्द, अभी देखिए अब लॉकडाउन के बाद कब शुरू होने वाला है, उसमें मैं जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और रहा सवाल कि ड्रीम कार जो हमारा आएगा, तो वो आएगा तो जरूर उसे लाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, जिस फील्ड में रहते हैं या जिस जॉब में रहते हैं, वहां पर इम्पॉसिबल, बस हम ड्रीम ही देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वो सपने पूरे कर पाते, लेकिन वेस्टीज में मैंने देखा है कि जो आपने कमिटमेंट लिया है और आपने जिस डेट डिसाइड कर दिया है, तो आपको ऑब्वियसली वो चीज आने वाला है, और एक नहीं हमेशा के लिए। सोचिए कि आपने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया अपनी फैमिली को, जितने वेस्टीज वाले जितने आप सुन पा रहे होंगे वो जरा ध्यान से सुनिएगा, कि आपने एक ऐसा डोर ओपन कर लिया है अपनी फैमिली के लिए कि आप रहे ना रहे, आपके जो आने वाले जनरेशन वो हमेशा फॉरेन ट्रिप करेंगे, हमेशा कार अचीवमेंट करेंगे, हमेशा हाउस पर नाता रहे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेस्टीज जो है। दीपा जी, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जितने व्यूअर्स सुन पा रहे होंगे उन्हें आज एक कमिटमेंट उन्होंने लिया होगा अपने आप से, जितनी लेडीज से सुन पा रही होंगे कि जब दीपा जी जिनको पैरालाइज था और वो आज कर पा रही है तो हम क्यों नहीं, राइट, तो जो माइंड में जो आपका जो पैरालाइज हो गया है उसको दूर करिए और रियल में आज अपने लिए एक मुकाम हासिल करने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वेस्टीज जो है, और ट्रिम ड्रिमाल्टी आपको सपोर्ट कर रही है, हमेशा ट्रिम ड्रिमाल्टी सपोर्ट करती है कि आपको स्किल तो डेवलप कराती है, आपको अपनों से पहचान कराती है कि आप है क्या, आप में इतने इतना पोटेंशियल है, आप में क्वालिटी है, आप निखारी अपने आप को। और कहा जाता है स्पेशली हम विमेंस के लिए कि जब नारी ठान लेती है कि मुझे करना है, यस, किसी भी सिचुएशन में, कंडीशन में मुझे करना है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा,
आपको केवल एक ही पर्सन है जो रोक सकता है, वो केवल आप, कि मुझे नहीं करना है। अदरवाइज किसी भी प्रॉब्लम में रहे, चाहे समाज कहे, चाहे बच्चे कहे, चाहे फैमिली कहे, या इवन हेल्थ इश्यू भी रहे, फिर भी आप कहीं ना कहीं फाइट करती है अपने कि मुझे करना है, अपने माइंड को सेट करते हो। तो लेडीज से तो बिल्कुल, फिर इस मामले में कहना कहूं मैं कि वो हम आगे हैं, कुछ भी अगर हमें करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। जैसे कि शादी, जब बोलना चाहूंगी, जैसे शादी करके एक लड़की जब ससुराल आती है तो माइंड सेट करके आती है कि मुझे सास ससुर का देखभाल करना है, हस्बैंड से प्यार से रहना है, अगर ननद देवर एक्स्ट्रा में है उनको देखना है, सुबह उठ के जल्दी उठना, बहू बन गई हो तो अब मुझे मायके जैसा नहीं चलेगा, सुबह जल्दी उठना है, सबको टाइम पे नाश्ता खाना देना है। तो जब माइंड सेट हो जाता है कि मुझे ये काम सब करना है, तो वो अपने आप होते जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा जिम्मेवारी आ जाती है, फिर भी माइंड सेट है कि वो पुराना वाला जो काम था मेरा, बच्चों के अलावा भी वो फिर से होना चाहिए, बच्चों को भी फिर देखना है, उसके अलावा मुझे जो पुराना काम था सास ससुर का देखभाल करना, टाइम पर टिफिन देना, खाना बनाना, तो वो काम तो नहीं रुकता ना हमारा, जब बच्चे आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसी तरह अगर नए लोग, जो भी हमारी नई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने लाइफ में अगर वेस्टेज को भी इसी तरह से बच्चे के जैसे ऐड कर ले कि हमारा बच्चा का हमारा वेस्टीज हमारे साथ में आ गया है, फिर भी हमारा पुराना रूटीन नहीं बिगड़ेगा कि मेरे ससुर जी को भी नाश्ता देना है, सासू माँ को भी खाना देना है, मुझे हस्बैंड को भी खुश रखना है, प्यार करना है, घर का ध्यान देना, तो वो अपने आप हो जाएगा, वो माइंडसेट खुद पे है। जैसे अभी आपने कहा कि कोई अगर रोकने वाला है तो वो हम खुद हैं। जिस दिन हम लोग खुद सोच लेंगे कि नहीं मुझसे और नहीं हो पाएगा, मैं ये काम भी और वो काम भी नहीं कर पाऊंगी, तभी वो रुक सकता है। वरना अगर हम लोग माइंडसेट कर लें कि मुझे अपने रूटीन के साथ में वेस्टीज को भी ऐड कर लेना है और इसके सिस्टम के कुछ कामों को करना है, तो वो डेफिनेटली हम लोग कर पाएंगे। जैसे कि बहुत कोई ऐसी हैं कि सब कर रहे हैं और एग्जांपल आप लोग खुद हैं कि आप लोग करते हुए आ रहे हैं और इस मुकाम पर आप पहुंच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने दीपा जी। दीपा जी आपसे एक चीज और सुनना चाहूंगी इस बात के करके कि आपने कहा कि माइंडसेट करना है। दीपा जी एक चीज और कि जितने भी लेडीज आती है वो कुछ दिन के आएंगी, फिर देखते हैं बस करके देखते हैं। इतना बड़ा कैरियर है, वस्तीज जो है आपके, बहुत सारे हर एक सपने पूरे करेंगे, जिन्होंने आपने जो सपने आपके हैं वो तो पूरे करेंगे, जो आपने कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं है जिसके बारे में, वो भी आप इससे सपने पूरे करेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगी दीपा जी कि लेडीजों के लिए खासकर कि जितने भी दिक्कतें आ रही हैं या आने वाली हैं, उनको तो कैसे फाइट करें, और आपने बताया कि कमिटमेंट तो करना ही है, इसके साथ मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा करें जिससे वो आगे बढ़े, और इसके लिए क्या सपोर्ट करता है अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो जी। तो जानना चाहूंगी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस क्यों है, कि बहुत सारी लेडीज ऐसे होती है जो ज्वाइन हो गए, ज्वाइन बस हो गए, वेस्टीज में हमने सब चीज पा लिया। तो आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पहले नहीं बोला करती थी, कम बोला करती थी, आज हम सब देख पा रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से उमदा तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रही हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि स्किल डेवलप करने के लिए जो खासकर हमारा वेस्टीज हो या ट्रिम डिमांडी सीखने के लिए, ठीक है, जितने भी स्किल हम सीखते हैं या प्रोग्राम जितने भी हम सीखते हैं वो क्या जरूरी है, ट्रेनिंग और मीटिंग क्यों जरूरी है? देखिए किसी भी काम को करने के लिए हर महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि चाहे वो हम लोग रोटी ही क्यों ना बनाए, हम लोग बोलते हैं ना कि एक लेडीज अगर जन्म ली है लेडी के रूप में तो वो रोटी बनाना तो सीख ही जाएंगी, पर क्या मैम अगर कोई लाइफ में कभी अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए ना देखे या रोटी के बारे में ना पढ़े कि रोटी कैसे आटा गूंथ के बनाया जाता है, कि पहले सूखा आटा को बेला जाता है, तो क्या वो बना पाएंगी? नहीं, उसके लिए भी सीखना पड़ता है कि रोटी में पानी डालना इतना है, उसे आटा को गूंदना पड़ता है, उसके बाद लोई बना करके फिर बेलना पड़ता है, तो वो भी तो सीखने का प्रोसेस हुआ। तो हर छोटी छोटी काम को भी हम लोग बिना सीखे आज तक नहीं कर पाते हैं, और उसमें भी अभ्यास बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक बार हमने मेरी मम्मी को अगर मैंने देखा कि रोटी ऐसा बनता है कि पहले आटा पे पानी डाल देते हैं, लोई बना करके बेलना पे बेलने लगते हैं,
पर जब तक उसे खुद से मैं करना ना शुरू करूं, और पहला रोटी जलता है, दूसरा रोटी कच्चा रह जाता है, तीसरा रोटी मोटा पतला होता, चौथा थोड़ा अच्छा से बनने लगता है, तो वो रहा अभ्यास प्रैक्टिस जो लर्निंग की बात हम लोग करते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग अपने घर के छोटे छोटे कामों को भी बिना प्रैक्टिस किए, बिना सीखे और खुद से बिना यूज अजमाए जब हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वेस्टेज को भी उसी तरीके से ही लीजिए। मैं नए लोगों से बोलना चाहूंगी कि वेस्टेज को भी उसी तरीके से लीजिए कि हमें सीखना है और उसे बेहतर से बेहतर करना है, और बेहतर करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और उसे सीख करके अप्लाई करना। जैसे हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं कि हमारी मैम्स जो होती हैं, सीनियर्स होती हैं, वो कुछ भी जो भी अच्छा बताती हैं कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, क्या हमारे सिस्टम क्या होते हैं, तो उसको सीखने के बाद पे खुद के टीम के लोगों को बोलिए, बताइए। जैसे मैं कम बोला करती थी, पर आज बोलने का रीजन यह है कि मैं उसे अप्लाई करती थी, जो मैं सीनियर से सीख करके आती थी उसे बोलती थी, बताती थी, भले गलत बोलती थी, सामने वाले को पता नहीं चलता था कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत, क्योंकि सामने वाला तो मेरे इतना भी नहीं जानता है, वो तो मुझसे, मैंने तो अपने सीनियर से सुन करके आया, मैंने तो मैं बता रही हूँ, वो किसी से सुना नहीं, वो फर्स्ट टाइम मुझसे सुन रहा, तो मैं खुद पे कॉन्फिडेंस लाती थी कि ये सामने वाला को मेरे इतना पता ही नहीं है। इतना कि बिलीव कीजिएगा कि एक लॉयर थे, एक वकील है, जिनको मैं प्रोस्पेक्टिंग देने गई थी, 8% पे हम लोग थे उस समय, और उनका अच्छा खासा चलता है, ऐसा भी नहीं कि वो घर में पड़े हुए लॉयर वैसे नहीं थे, उनका बिजनेस चलता है, उनके ऑफिस पे मैं गई और जो हमारा खर्च से बचत जो मैंने उनको बताया, तो वो मेरे सामने काफी सहमे हुए, क्योंकि मैंने अपना एटीट्यूड को रेडी रखा था कि वो पॉजिटिव माइंड था मेरा, और मैं ऐसे बोल रही थी जैसे उसे लगा कि मैंने किस सब्जेक्ट पर डिप्लोमा किया है और क्या किया है, वो मतलब मुझे मैम मैम कर करके स्पेशली एक सीट पर बैठाए, कितना समय दिए, सुने, और इतना ही नहीं कि वो मुझसे जो टीम का मीटिंग था वो प्रोडक्ट्स भी ले लिया। तो वो सबसे बड़ी बात वहां पे क्या काम आई कि मेरा आत्मविश्वास, मैंने ये सोच लिया कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, और मैंने जो जो सीखा है, जो खर्च से बचत की बात मैंने जो सीखी थी ट्रेनिंग में सीपी का, तो वो मैंने वहां पे यूज किया, बस थोड़ा सा अपना आंख नॉर्मल रखा, उनसे नजर मिलाई और बोलते गई, बताते गई, उनकी सभी बातों को मैंने जवाब देना जरूरी सोचा। इसी के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, अगर ट्रेनिंग्स हम लोग नहीं लेंगे तो अपना दिमाग का चक्का चलेगा, और अपना दिमाग चलेगा तो वही, हर लोगों का दिमाग तो अलग अलग होता है ना, और हमारे यहाँ सिस्टम एक होता है, तो हम लोग अगर सिस्टम से चलें तो वही काम करेंगे जो आप एक प्रोस्पेक्टिंग में कर रहे हैं, दूसरे पे भी करेंगे, तीसरे पे भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो तीर लगेगा ही और सही सटीक ही लगेगा। तो इसी के लिए हमारा ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी, मीटिंग के साथ साथ खुद का अभ्यास होना, खुद का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बोले कि नहीं मुझे आता है, ये लोग जो जो बोल रहे हैं वो मैं तो कर लूंगी, और करने का तरीका अपना अगर रखूंगी तो वो नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम बना फिर किस लिए है। अगर हर लोगों के लिए हर काम आसान होता, एक टीचर को अगर आप दे दें कि वो पेंटिंग का काम शुरू कर दे, वो दरवाजा पेंट करना शुरू कर दे, तो क्या वो उस पे तो ABCD ही ना लिखेगा ना, कि दरवाजा को बढ़िया से पेंट कर पाएगा एक टीचर अगर करे। तो बात यहाँ वही है कि हम लोग जो सीखेंगे, जो सुनेंगे, उसको उसी तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सफल होंगे, डेफिनेटली वही पाएंगे जो हम लोग सोच करके गए थे। तो सीखना बहुत जरूरी है जी। कहा जाता है जो सीखता है वो जीतता है। जी मैम, जो सीखता है वो जीतता है, लेकिन सीखने वाला कभी नहीं जीतता, बल्कि सीख के करने वाला जीतता है। तो बहुत जरूरी है, सीख के आप प्रैक्टिस करिए, और उसके साथ में आप फील्ड में, क्योंकि दीपा जी ने सही कहा, और ये हम सब ने कहना चाहिए कि हमने सब फेस किया है कि जब हमने जो अपने अपलाइन से सीखा है वही चीज हम जब लेते हैं, उसके बाद हम जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाते हैं तो सामने वाला तो जीरो है, उसे नहीं पता है कि हम किस में, तो कॉन्फिडेंस आप कैसे बोलते हो, वो लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो वो इम्पोर्टेंस है आपके लिए, राइट। आप क्या बोलते हो वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस से आप लोगों से बात करती वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने व्यूअर्स हमें सुन पा रहे होंगे, खासकर आज टॉक विद लेडी एंटरप्रेनर में एक हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन लीडर्स आई है जिनका नाम है मिसेस दीपा मुखी, उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल में आप सीखते जाइए, सीखने का बिजनेस है, हमेशा आप सीखते रहिए, आप लर्निंग मोड में हमेशा रहिए, और देखिए कि जिस सपनों को आप लेकर आए हैं, जिस सपनों को आप
को देखकर आपने बस्तीज को ज्वाइन किया है, आप रियली में आपको वो सारे सपने पूरे होंगे। तो कमिटमेंट अपने आप से लीजिए कि मुझे वो चीज पाना है, वो हर एक मुकाम को पाना है, हासिल करना है, जिसको करके मैंने जिस दिन साइन किया बस्तीज को, और ये कमिटमेंट लिया मैं अपने आप से, अपने फैमिली से, यस मैं ये कमिटमेंट लेती हूँ कि मैं वेस्टीज में आके सारे सपने को पूरा कर पाऊंगी। तो डेफिनेटली आप एक बहुत मुकाम को, बहुत बड़ा मुकाम, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आज अगर दीपा जी कंफर्ट जोन में रहती तो आज हमारे सामने भी वो नहीं रह पाती, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। दीपा जी जाते जाते पूछना चाहूंगी, क्योंकि टॉक विथ लेडी एंटरप्रेनर में मेरा अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा, कि एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम जिसको आने वाले समय में आप पूरा करना चाहते। ड्रीम्स तो काफी है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स के बारे में जो आपने कहा, मैं अपना और एक घर लेना चाहूंगी। अभी जहां पे मैं हूँ वो खुद का घर है, मेरे नाम का ही घर है, पर ये सिर्फ घर है, पर मैं सपनों का महल जिसे बोलते हैं ना मैम, वो लेना चाहूंगी बहुत आगे चल करके। बिल्कुल, और ये संभव है क्योंकि जी संभव है, हमारे साथ में टीम ड्रिमैलिटी भी है। ट्रिम ड्रिमैलिटी है, और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिम ड्रिमैलिटी है उसके साथ साथ बस्तीज का जो सिस्टम है, ट्रिम ड्रिमैलिटी का जो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम हमारे साथ में है, और हम इनके साथ में तो 100% हमारे सपने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो सपना है आपका जो 100% पूरा होगा। मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ में है कि आपका जो सपना वो अवश्य जरूर 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 जल्दी आप अचीवमेंट करें, क्योंकि डेफिनेटली ये बनेगा, ये होगा ही होगा। ये कैसा प्लेटफॉर्म में बस्ती, एक ऐसा सिस्टम है, ट्रिम ड्रिमैलिटी एक ऐसा टीम है जिसके करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और 100%। और लास्ट जाते जाते कहना चाहूंगी कि किसने किया है ये कमिटमेंट, एक लेडी ने, और लेडी अगर कमिटमेंट लेती है तो वो हमेशा किसी भी कंडीशन में वो पूरा करती है। तो थैंक यू सो मच दीपा जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितने भी बार आप सुन पा रहे होंगे, अगेन आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं दीपा जी ने बताया कि मुझे हेल्थ का इशू था, पैरालाइज था, और जिनसे वो सप्लीमेंट्स लिया बस्तीज के, और आज वो बस्तीज के साथ में एसोसिएट होके, ट्रिनिटी के साथ में एसोसिएट होके आज वो अपने सपनों को पूरा कर पा रही। आज हमारे सामने में आपने देखा कि ये भी बहाने कर सकती, और अगर बहाना करती तो आज वो हमारे साथ में नहीं होती, आज वो एक लेडी एंटरप्रेन्योर नहीं होती, आज उन्हें हम सब जान रहे हैं। कहने का मतलब है आप जिस भी लेवल पे हो, आज भी आपने ज्वाइन किया हो वेस्टीज को, तो वेस्टीज बहुत बड़ा कैरियर, बहुत बड़े सपने के साथ में आप स्टार्ट करिए, और हर एक सपना जो आपने देखा भी नहीं है वो भी पूरा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अब मिला मुझे बात करके आपको बहुत अच्छा, जितने व्यूअर्स मुझे सुनते आ रहे हैं, थैंक यू, उनको भी कहना चाहूंगी कि पहले पैशंस के साथ में आपने हमें सुना। थैंक यू दीपा जी, आपने कीमती समय ट्रिम ड्रिमैलिटी का ये टॉपिक एंटरप्रेन्योर के लिए निकाला, और थैंक यू कहना चाहूंगी ट्रिम ड्रिमैलिटी को कि एक बेहतरीन प्रोग्राम हमको ऑर्गेनाइज करके देती है। थैंक यू कहना चाहूंगी बस्तीज को कि बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को देखा भी नहीं था वो भी अचीवमेंट पूरा कर पा रही है, लाखों के सपनों को पूरा कर रही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। इस प्रोग्राम को हम यहीं पर करते हैं, इसके साथ साथ में जितने व्यूअर्स सुन पा रहे होंगे कि उनसे कहना चाहूंगी कि सपनों को और मजबूत कीजिए, और आपके हर सपने पूरा हों, बस एक कमिटमेंट की जरूरत है। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।